डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ये यूजेज एंड में आएगा. उससे पहले क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वी वर डिस्कसिंग. एक दिस वन डेफिनेशन कैन बी आस्क्ड एनीवेयर, आपसे इंटरव्यू में भी किसी सब्जेक्ट में भी द डेफिनेशन दैट कैन बी आस्क्ड इज व्हाट इज टेक्सटाइल एंड व्हाट इज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी. ठीक, व्हाट इज टेक्सटाइल जो हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, इट डिनोट्स फाइबर दैट कैन बी स्पन. उसे वर्ड बोलते हैं स्पन, विद टाइम समझ में आ जाएगा. स्पन इज कमिंग फ्रॉम स्पिनिंग, बॉल को स्पिन करते हो, स्पिन वाली बॉल, तो स्पिन से स्पन आया. अब क्यों आया स्पन, लास्ट पॉइंट एट विच वी मेक थ्रेड और यार्न धागा बनता है, लास्ट में उसे स्पिन करते हैं, उसे ट्विस्ट देते हैं, स्पिन को बोलते हैं ट्विस्ट. तो यू कैन से टेक्सटाइल मींस फाइबर दैट कैन बी ट्विस्टेड और स्पिन इनटू यार्न, यार्न बनाया जाएगा देन इनटू अ वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स. ठीक है, ये वैरायटी है वीविंग, नीटिंग, थ्रेडिंग, फैटिंग, ट्विस्टिंग, इस तरह से काफी सारी वैरायटी है जो हम यूजली डिस्कस कर रहे हैं. इफ यू कैन नॉट से दिस देन यू से टेक्सटाइल डिनोट्स फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू यार्न एंड फाइनली इनटू फैब्रिक फॉर डिफरेंट एंड यूजेस. बस ये सारे याद अभी नहीं होंगे, बाद में याद हो जाएंगे तब ये लिख देना जो भी वैरायटी है. एंड व्हाट इज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, मेकिंग ऑफ दिस टेक्सटाइल विथ समथिंग दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी. सो टेक्सटाइल इज मेकिंग ऑफ यार्न एंड फैब्रिक. अब फैब्रिक चार तरीके से बनता है, जो ये पहना हुआ हमने कुछ स्ट्रच नहीं होता, इसको बोलते हैं वूवन, वीविंग से बनता है. दूसरा बनता है निटिंग से, और जो बच गया उसे बोलते हैं नॉन वूवन. ये तीन तरह के से बनता है. और आजकल टेक्निकल टेक्सटाइल जो हमने सारी बताई प्रोटेक्टिव ये शुरू हो गई. नाउ व्हाट इज टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इज दिस पार्ट, ये फिर से आ गया. टेक्नोलॉजी इज अप्लाइंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइंसेज. कोई भी साइंस है आप अप्लाई करोगे टू मेक दीज, एंड दिस शुड बी कॉमर्शियली वायबल. ये सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमर्शियली वायबल मतलब दो रुपए कमा के दे. उस टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है जो दो रुपए ना कमा के दे. तो दिस डेफिनेशन यू रिमेंबर, टेक्सटाइल दिस इज टेक्सटाइल एंड दिस इज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी विच डिनोट्स आर्ट एंड साइंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ. देखो आर्ट तो यही होगी, इसमें कितना पतला बनाना है, कितनी चमक डालनी है आर्टिस्टिक पे. और साइंस इज टेक्नोलॉजी, डिनोट्स आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइबर दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक बाय स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, फैटिंग, ग्रेडिंग. ये सेम चीज आ गई है, स्पन यहां से स्पिनिंग आ गया. ठीक है, एंड देन डाइंग एंड प्रिंटिंग. ठीक है, टूल्स मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी मीन्स मैकेनिज्म, कंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन एंड प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिकल यूज में आना, मैकेनिज्म एंड प्रैक्टिकल यूज दैट हैज अ कॉमर्शियल वैल्यू. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइबर दैट इज कन्वर्टेड टू फैब्रिक. इट मे बी थ्रू यार्न और नॉट यार्न, एंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस कन्वर्जन एंड द प्रैक्टिस विच हैज अ कॉमर्शियल वैल्यू, दो रुपए हो कमा के. तो ये चीज है. अब हम सबसे पहले बात करें फाइबर की, बात करें वी शुड नो व्हाट इज फाइबर. फाइबर के चार पांच प्रॉपर्टीज हैं दैट मेक्स इट एज टेक्सटाइल फाइबर. फाइबर नहीं, टेक्सटाइल फाइबर. फर्स्ट इज इट शुड हैव हाई रेशियो ऑफ लेंथ टू थिकनेस. हजारों में होगी थिकनेस और लेंथ, लेंथ अपॉन थिकनेस करोगे तो थाउजेंड में आएगी. लेकिन वो किसकी आ सकती है, किसी वायर की भी आ सकती है, कॉपर वायर है, कोई और भी चीज है उसकी भी आ सकती है. बट देन व्हाट शुड बी हियर, इट शुड हैव प्रॉपर्टीज लाइक फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट शुड बी एबल टू, अगर कुछ और भूल जाओ तो वी शुड बी एबल टू स्पिन इट इनटू यार्न. जिस फाइबर से हम धागा बना सकते हैं उसी को हम टेक्सटाइल फाइबर मानेंगे. उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि हाई रेशियो ऑफ लेंथ टू थिकनेस. बाकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बाकी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएगी कि उसकी मिनिमम लेंथ 5 mm होनी चाहिए, यानी आधा सेंटीमीटर.
प्लायबल है, यूं करके और डबल भी हो सके, कोहेसिवनेस, एक दूसरे के ये फाइबर चिपक सके ताकि धागा बन सके, एक दूसरे से दूर नहीं जाए। फिर उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वरना वो धागा टूट जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। उसमें फिर कुछ स्ट्रेचेबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत खींचे भी और वापस भी आए, ये चीजें होनी चाहिए। इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी आएगी स्ट्रेंथ से, फाइननेस टू लेंथ और टू फाइननेस का रेशियो आ गया, यूनिफॉर्मिटी, ये अदर प्रॉपर्टीज है भाई, ये हैं तो अच्छी बात है बट ये मस्ट है। क्या क्या? हाई लेंथ टू थिकनेस रेशियो, स्पिनिंग इनटू यार्न मिनिमम 5 mm लेंथ, प्लायबिलिटी, कोहेसिवनेस एंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ सो दैट इट इज नॉट टॉर्न। फाइबर में और फिलामेंट में क्या डिफरेंस है? सिल्क है खूब लंबा 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 है तो पतला ही, ठीक है। फिलामेंट इज सेवरल 100 meters लॉन्ग, 100 meters 200 meters लंबा है तो उसको बोलते हैं फिलामेंट। सिल्क इसमें नेचुरल फाइबर में, मैनमेड फाइबर में जो भी बनाएंगे हम वो ऊपर से निकाल लेंगे पतले पतले, वो सारे लगातार निकलेंगे तो फिलामेंट ही बन के दिखेंगे, उसे हम बाद में फाइबर यानी छोटे छोटे शेप में काटेंगे। फाइबर की लेंथ हम जो लेते हैं बनाने में 5 या 1 mm, 1 centimeter से लेके 4-5 centimeter तक, यानी 2-3 inch तक लेते हैं, यानी इतने से लेके और इतने तक हो सकते। वूल इससे थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए फिर अलग यूज करना पड़ता है, उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। ये है फाइबर और फिलामेंट का।